friends, today we are going to discuss Gauss law from Coulomb's law. In our previous session, we have discussed electric flux, electric field, and closed circuit. हमारे जो previous class हुई थी, उसमें हमने discuss किया था कि what is Gauss law. तो actually में Gauss law क्या बताता है? Gauss law बताता है, अगर mathematically हम जाएं, तो Gauss law gives the relation between total flux associated with surface and net charge. क्या बताता है Gauss law? Gauss law gives the relation between this is what? Total flux associated with closed surface and net charge. अगर आपके पास मैथमेटिकल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास से ही बताया था कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो यू कैन सिंपली राइट द गॉस लॉ स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट हो सकता है? अगर हम इंडिविजुअली जाए इस फैक्टर पे ई डॉट डी एस, है ना, तो अगर ई क्या है यहाँ पे, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड and this ds is infinitely simply a small area. Electric field क्या है? Vector quantity है. और area क्या है? Vector quantity है. अलावा तक हमें एरिया को ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पर 12th क्लास में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड लेंथ ब्रेथ इट गिव्स मैग्नीट्यूड. नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट एरिया, एरिया क्या है? नॉर्मल आउट फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल ड्रॉन to the surface, that is called area. And what is electric field? Electric field we have already discussed in our previous session, that is a vector quantity. Now, so these two terms, electric field and this is a small area, vector area. ये दोनों टर्म आपको क्या देते हैं? Elementary flux. These two quantity gives you elementary flux, which quantities? Electric field and infinitesimal small area. इन दोनों का dot product आपको क्या देता है? क्या देता है? Elementary flux. This gives d phi e. If we put here closed integral or instead of this closed integral, we put S surface. This integration के ऊपर आपने ये जो क्लोज सरफेस, ये जो राउंड किया है, ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है? ये क्लोज सरफेस के लिए सिग्निफिकेंट है. इट मीन्स दैट कि यहां तक तो हमने किसकी बात की थी? एलिमेंट्री स्मॉल फ्लक्स की. अगर हमने इसके सामने इंट्रीगेशन लगा दिया, क्लोज सरफेस कर दिया, तो इट बिकम्स टोटल फ्लक्स. क्या बन जाएगा? टोटल फ्लक्स. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ में, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव और डिस्कस प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. बिफोर वी कमिंग टू द गॉस प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, नाउ आई एम आस्किंग यू, अगर सपोज आपके पास एक क्यूब है, क्या है आपके पास? एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या है? टोटल चार्ज 1/ε0, टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन डेट सरफेस. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? क्यू, और कितने टाइम्स? 1/ε0. अगर आपके पास सपोज क्यूबॉइड है,
और उस क्यूबॉइड के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, प्लस टू क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसका टोटल फ्लक्स होगा आपका फाइ इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस टू क्यू। स्फीयर है, स्फीयर के अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाइ इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस लॉ क्या है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वी कैन फाइंड कितना चार्ज प्रेजेंट है या कितना टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, अगर हमें पता हो कि चार्ज कितना है। नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये वाला तो क्रॉप कर देंगे पार्ट, है ना, रिकॉर्डिंग होने दो। Now here we consider a spherical surface. Now plus q charge is present in that spherical surface. Actually में हमने एक plus q charge consider किया है, उस plus q charge से r radius पर एक Gaussian surface consider किया है, ठीक है। और ये जो plus q charge है ये हमने कहाँ consider किया, center में। ये जो closed surface है ये किसी भी irregular shape का हो सकता है, ये हमने रेगुलर इसीलिए लिया है कि हमारे जो कैलकुलेशन हो, हमारी जो डेरिवेशन हो वो इजी हो, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, है ना। तो इसलिए हमने सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस लिया है। नाउ तो कंसीडर किया, देयर इज ए प्लस क्यू चार्ज एंड इससे आर डिस्टेंस पे क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, गॉसियन इज नथिंग बट इमेजिनरी सरफेस, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एक हमारी इमेजिनेशन है कि क्यू चार्ज है अगर, तो उससे आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब इस सरफेस पे आप एक बॉल कंसिडर करो, बॉल कंसिडर किया, उस बॉल के किसी स्मॉल एरिए से आपने फाइंड किया इस स्मॉल, क्योंकि यहां मैं 2D में कर रही हूं तो 3D में आप थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना। तो स्मॉल एरिया लिया उस बॉल का, उस बॉल के स्मॉल एरिया से कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, देन यू हैव टू फाइंड। फिर वो टोटल फ्लक्स आपने फाइंड किया, वैसे पूरा आपने पूरे सरफेस का टोटल एलिमेंट्री फ्लक्स फाइंड किया और फिर उसको आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ कंसिडर a small spherical surface having plus q charge at its center and radius smaller. Now according from Coulomb's law, kya E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. यहां पे हम Coulomb's law का सिर्फ magnitude ले रहे हैं, हमने यहां पे vector quantity नहीं ली है। Now again we know elementary flux. Elementary flux क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, which is denoted by d phi is equal to E dot ds. Electric field और area vector का scalar product gives you elementary फ्लक्स। नाउ ई एंड डी एस, तो अगेन सी दिस डायग्राम, हमने डिस्कस किया था एरिया वेक्टर जो होता है, ये होता है नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, सरफेस पे
नॉर्मल ड्रॉन आउटपुट। तो अगर हमें इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर फाइंड करना, तो इसी सरफेस में हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडिली आउटवर्ड, है ना, प्लस चार्ज है तो यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडिली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच जो एंगल है ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, दैट इज जीरो डिग्री। तो अगेन ई डॉट डीएस, तो ई डॉट डीएस ई डीएस कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो कितना होता है, ई डीएस कॉस जीरो विल बी वन, दैट इज एलिमेंट्री फ्लक्स डी फाइव ई एंड दिस इज ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ बॉल का आपने एक छोटा सा स्मॉल एरिया फाइंड किया दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री फ्लक्स, उस स्मॉल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं। नाउ अगर पूरे बॉल से अगर आपको फाइंड करना हो कितने फ्लक्स निकल रहे हैं तो आप क्या करोगे, है ना, तो उस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर दोगे दैट यू विल गिव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, वही हम करने जा रहे हैं। हमने एक स्मॉल एरिया का फाइंड कर लिया, अब स्मॉल 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 एरिया का पूरे सरफेस के लिए हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज विच इज डिनोटेड बाय टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका आपने क्या किया, एलिमेंट्री फ्लक्स को क्या किया आपने, इंटीग्रेट किया ओवर ए क्लोज सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा डी फाई ई, और डी फाई ई क्या है आपका ई डी एस, यहां तक क्लियर है आपको। नाउ ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू अभी हम नहीं, हम डायरेक्ट ई लिखते हैं, तो इसको भी हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए ई डी एस। नाउ ई इज ए कॉन्स्टेंट वी आर टेकिंग आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस डीएस। नाउ ये जो डीएस है क्लोज सरफेस के लिए, मैंने पहले भी बोला है कि जो स्मॉल एरिया है अगर वो किसी क्लोज सरफेस के लिए बात करे तो वो पूरा क्लोज सरफेस बन जाएगा, और वो जो क्लोज सरफेस फॉर्म हो रहा है वो किस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ स्फेयर, क्या बन रहा है, वो एक स्फेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, अगर ये स्मॉल एरिया को हम किसी क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये बात यहाँ पे क्लियर है आपको, टीएस जो है एक स्मॉल एरिया लिया हमने यहाँ पे, दिस इज, अब हमने पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिया तो स्मॉल स्मॉल एरिया हमने पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं पर आपको इमेजिन करना है 3D में। नाउ वैल्यू ऑफ ई विल बी 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है, दैट इज 4 pi आर स्क्वायर। नाउ 4 pi 4 pi विल कैंसल आउट, आर स्क्वायर विल कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म इज व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर क्लोज डी फाई और टोटल फ्लक्स, हेंस
Gauss law from Coulomb's law. Thank you.